नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि राहुल गंदगी वो आजकल अमेरिका में है और मैं बार बार बोलता हूँ कि राहुल गंदगी हमारे देश के लिए एक कलंक, एक ब्लैक स्पॉट बन चुका है। वैसे तो आप हमेशा बोलते हैं कि भी राहुल गंदगी, हम भी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो हमारे ऊपर एक बोझ बन गई है, एक कलंक बन चुका है। जो पार्टी का DNA है वो बार बार हमारे देश का नाम खराब करने के में तुला हुआ है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो जो मुगलों का आखिरी वंशज है राहुल गंदगी, हम तो उसी को लेकर रोते रहते हैं। लेकिन ये टाइम आ गया है कि हम हिस्ट्री के अंदर जाकर भी इस पार्टी के जो ये गद्दार हैं, ये मर्डरर हैं हमारे देश के, इसके बारे में बात करनी चाहिए। अभी आपको मालूम है जो राहुल है, राहुल गंदगी ने अमेरिका में जाकर हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश करी। भाई DNA ही वो गंदी फैमिली का है और ये उसी पाथ के ऊपर चलता जा रहा है जो इसके नाना दादी पिता ने किया। अब राहुल गंदगी अपनी नेचर के हिसाब से, क्योंकि कठुओं का, सुअरों का इसके अंदर DNA है, तो ये बाहर जाकर क्या करेगा, कभी भी भारत की तारीफ नहीं करता। ये हमेशा जो हमारे दुश्मन हैं पाकिस्तान की तारीफ कर देगा, चाइना की तारीफ कर देगा, और ये क्या बोलेगा वहाँ पर कि मेक इन इंडिया नहीं चल रहा लेकिन मेक इन चाइना देखिए, ओहो, क्योंकि 2008 में मैंने बेशर्मी से देश को बेचकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, उसके बाद देखिए मेक इन चाइना कितना अच्छा चल रहा है। अब इसका जो क्या बोलते हैं एडवाइज़र सैम पितृदोष, उसने भी बोल दिया कि राहुल अब पप्पू नहीं रहा, अब तो फैसला आ गया है। फैसला किसने दिया, यही सैम पितृदोष, जो अपने ही पिता के ऊपर पितृदोष है, उसने डिक्लेयर भी कर दिया है कि मेरी ज्यूरी बैठी है और राहुल अब पप्पू नहीं रहा, यानी कि वो डिक्लेयर ये भी कर रहा है कि पहले पप्पू था अब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इनके DNA का, तो समझा दिया कि सुअरों का जो DNA था अभी पप्पुओं में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इस देश में क्या कांग्रेस ने सिर्फ यही काम किया कि हमें एक पप्पू नाम का आदमी दे दिया? दोस्तों मैं हमेशा गोडसे के ऊपर गुस्सा करता हूँ। गोडसे ने बड़ा अच्छा काम किया कि गांधी को मार दिया। भाई जहाँ पर तुम्हें एक आदमी को मारने के लिए फांसी मिलनी थी वहाँ पर एक लहड़ू भी खड़ा था साथ में, उसका भी काम तमाम कर देता, ये स्यापा ही खत्म हो जाता। ये जो धूर्त है, यही जो ऊपर जनेऊ डालता है, अंदर क्रॉस डालता है और नीचे खतरा करवाकर बैठा है राहुल गंदगी, इसका भी जो है नामो निशान आता ही नहीं, क्योंकि अगर लहरू का काम खत्म हो जाता आज हम अमेरिका से आगे होते। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लहरू ही था जिसने वो डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसने हमारी देश की किस्मत बदल कर रख दी, वो था पार्टीशन। क्या आपको याद है कि जो कांग्रेस है उसने हमेशा बोला कि हमने जी फ्रीडम फाइटिंग हमने करी, खुद तो ये हमेशा ब्रिटिशर्स की गोदी में बैठे हुए थे। आपने बड़ी बार देखा होगा कि लहरू की फोटो आती हैं वहाँ पर लेडीज़ ऊपर बैठी होती थी, ये उनके चरणों में बूट पॉलिश कर रहा होता था, लिटरली बूट पॉलिश करता था उन लेडीज़ की, बड़े आराम से AC के कमरों में ये बैठे होते थे। गांधी वो भी बिल्कुल अगेंस्ट थे पार्टीशन के, लेकिन लहरू ने बड़े प्यार से जाकर फुसला फुसलू कर कन्विंस किया गांधी को कि हमें पार्टीशन कर देनी चाहिए, मुसलमानों को अलग कंट्री दे देना चाहिए और मुसलमानों को बोल दिया उन कॉकरोचों को आप यहीं रहो, जाने की ज़रूरत नहीं है, कटे तो हिंदू कटे, और किसी ने बोला नहीं, सिर्फ इसलिए कि सत्ता लेनी थी इस लहरू को। उसने इस देश का बंटवारा कर दिया। और आपको याद होगा कि प्रदीप सिंह एक हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कई बार TV प्रोग्राम्स के अंदर एक बार बोला था, क्लेम किया था उन्होंने, और एक बार नहीं दो बार किया है, उन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने हमारे जो ISI के लोग थे, रॉ के लोग थे, उनके पूरे की नाम और एड्रेस पाकिस्तान को दे दिए थे कि हमारे भारत के कौन कौन से एजेंट पाकिस्तान में कहां कहां बैठे हैं, और पाकिस्तान ने उनको चुन चुन कर मारा। वो सदमा इतना बड़ा था रॉ के लिए, आज तक हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। अब आते हैं मनमोहन सिंह दे, वही मोहन सिंह जो कहते थे मैडम जो बोलेगी मैं वही कर दूंगा। अब उन्होंने क्या किया, एक इजिप्ट में शर्म एल शेख है वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, स्टेटमेंट ये दिया
कि जी जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी एजेंसीज का हाथ है। और उसके बाद पाकिस्तान ने बोल दिया कि अगर आपका प्रधानमंत्री बलूचिस्तान के ऊपर क्लेम करता है तो हम भी जो कश्मीर में कर रहे हैं वो भी सही है। जानबूझकर कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिलाया मोहन सिंह से। मोहन सिंह का तो अपना दिमाग चलता ही नहीं था। और इन्होंने कांग्रेस ने ही वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी को भी ईरान और दूसरे कंट्रीज में बिठाया, वहाँ पर उन्होंने भी हमारे रॉ के एजेंट्स को मरवाया। याद है ना आपको, ये पूरे की पूरी लिस्ट ये अंसारी ने, मैं सॉरी गुजरात बोल दिया था, ये जो हमीद अंसारी है इसने वो सारी की सारी जो लिस्ट है वो दे दी पाकिस्तान को और नाम दे दिया गुजराल का कि ये काम मैंने नहीं गुजराल के किया है। दोस्तों ये इतने बड़े बड़े कांड हैं जो कांग्रेस ने हमारे देश के साथ किए, लेकिन कोई इसके ऊपर बोला नहीं। और जो मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ उसके बाद मोदी जी आए इस देश में, उन्होंने 2016 में लाल किले पे खड़े होकर एक बार बोला था कि बलूचिस्तान को हम मदद करेंगे। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया था और किसी भी और गवर्नमेंट ने इस इशू को रेज ही नहीं किया इससे पहले। जबकि जो मनमोहन सिंह थे, आपको याद है मैंने पहले बोला है कि उन्होंने बोल दिया कि हम वहां पर अनरेस्ट करवा रहे हैं। मोदी जी ने बोला अगर तुमने हमारे से पंगा लिया तो हम बलूचिस्तान में पंगे करवाएंगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में आपने डिक्लेयर कर दिया हम कर रहे हैं, जो मोहन सिंह ने किया जानबूझकर करवाया गया ताकि वो हमारे ऊपर तंज कसे। दोस्तों ये हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स ये इतना गिर सकते हैं और गिरते रहे हैं कांग्रेस के कि हमसे ये चीज़ें छुपाई गई और हमें हमारा देश का नाम हमेशा इन्होंने एम्बेरसिंग पोजिशन पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको मालूम है कि जब लाडू था, वही जो अपने आप को बोलता था कि मैं तो ये इस देश का बल्कि महान एक खलीफा हूँ, उसका सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के लिए कितना था ये आपको पता है। चाइना ने हमारा 40,000 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया हड़प लिया, लेकिन उसे इतना सा भी दर्द नहीं था लैडू को। लैडू बोलता था अगर ले गया तो ले गया, क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे उसके बाप की जगह हो इन कांग्रेसों की। और यहीं तक नहीं, जब परमानेंट सीट हमें मिल रही थी यूनाइटेड नेशंस में, यही लैडू बोलता था चाइना फर्स्ट। और आज चाइना हर हमारे मैटर में वीटो पावर यूज़ करता है और हमें तंग करता है। और जब डोकलाम हुआ, कुछ भी हुआ, यही लैडू का पोता दोता जो भी बोलते हैं इसको, गंदा कीड़ा राहुल गंदगी, ये कहाँ जाता है, रात के अंधेरे में चाइनीज एम्बेसी में जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि भारत को कैसे तंग किया जाए। और इनकी पार्टी रिफ्यूज़ करती है कि लैडू ये राहुल गंदगी चाइनीज एम्बेसी में नहीं गया, लेकिन जब मीडिया ने प्रूफ सामने रखा तो लड़खड़ाने लग गए थे पूरे कांग्रेस की पार्टी। यानी कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है इस देश में कि वो इस देश में कुछ भी सही काम नहीं करना चाहते। उनका एजेंडा ही है बाबर वाला कि यहाँ पर काफिर जो हैं, हिंदू जो हैं, यानी कि उनके उनको मारा जाए और इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाया जाए। वो तो ओपनली डिक्लेयर करना शुरू कर दिया हम मुसलमानों की पार्टी हैं। और जब अमेरिका में जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि मोदी जी का तो एजेंडा एक ही है कि एक ही धर्म रहना चाहिए, बाकी सबको ख़त्म करना है। और खुद ओपनली सड़कों में भारत में बैठ के बोलते हैं हम हिंदुओं को भूखे मारेंगे। ये श्री राम बोलने वाले सारे भूखे मरने वाले हैं क्योंकि हमने रिजर्वेशन सारी मुसलमानों को ही देनी है और हिंदुओं से तो छीन कर सब कुछ मुसलमानों को दे देना है। इनकी जो भूख है इस सत्ता को हटाने की ये इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने तो इनकी दादी के ऊपर आए थे, उन्होंने रात के अंधेरे में इमरजेंसी लगाकर गला घोट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके बाद सत्ता हटा ली थी। और हटाने के बाद एक गंदा वर्ड सेकुलर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया और हिंदुओं को बोलते हैं तुम सेकुलर बनो। भाई कभी ओवैसी को बोलते थे कि मंदिरों में जाके टिक्के लगवा लें, हमें बोलते हैं कि मस्जिद में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें नहीं बोलेंगे। दोस्तों ये इतना ज़्यादा इमोशनल मैटर है जो हमारे भारतीय हैं उन्हें फील होना चाहिए कि कांग्रेस कितनी दोगली और गंदी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी जो हमेशा बोलती है हमने स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किया था, आज ये कहाँ पहुँच गए हैं। 47 से लेकर आज तक, पहले इनके लेडू बूट पॉलिश करते थे, आज राहुल गंदगी अमेरिका में जाकर जो एंटी इंडिया नेशनल्स हैं उनके बूट पॉलिश कर रहा है।
और हमारे जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसे ये तोड़ना चाहता है। ये छोटी चीज़ नहीं है, बट हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस देश में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, क्या जो पॉलिटिकल मशीनरी है उसके अंदर जो इनके सत्ता के इतने रूट्स हैं, 65 साल से इन्होंने दीपक लगा दिया हमारे देश को, क्या इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो अभी अभी जो क्लेम्स हैं सारे के सारे जो मैंने अभी कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। नेहरू फैमिली के ऊपर, गंदगी फैमिली के ऊपर कोई भी, इवन गवर्नमेंट के अंदर भी कोई बोलना ही नहीं चाहता। वो बेशक लहड़ू की पॉलिसीज हो चाइना के ऊपर, वो बेशक जो अंसारी है उसकी पॉलिसी हो, राहुल गंदगी की पॉलिसीज हो, उसके मिसस्टेप्स हो, उसकी गंदी स्पीचेस हो, कुछ भी हो, ये हर एपिसोड हमें रिमाइंड कराता है कि इनका प्लान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इनका एम्बिशन है इस देश के और टुकड़े करना। एंड एज सिटीजन्स ऑफ भारत, मैं ये चीज़ें बार बार आपको रिमाइंड करवाता हूँ, क्योंकि हमें अपनी आंखें खोलकर बैठना पड़ेगा। ये इनका तो मकसद, कभी ये बोलेंगे अरुणाचल में जाता नहीं है कि ये तो चाइना का पार्ट है, अगर मैं वहाँ पे गया तो चाइना से फंडिंग आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, इतना गहरा ये साजिश हर रोज़ हमारे देश के खिलाफ करता है, और हम अभी भी नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी इसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि बचपन से हमारी किताबों में हमें यही पढ़ाया गया। ये डेमोक्रेसी के नाम पर इन्होंने अपनी पार्टी को देश से भी ऊपर कर दिया, और हमने इनको अलाउ किया है हमारे हमारे बच्चों के और इस देश के फ्यूचर के ऊपर खेलने के लिए। क्या अब आपको नहीं पूछना चाहिए कांग्रेस को कि आपने 47 से लेकर अब तक इस देश की भलाई के लिए कौन सा काम किया, हिंदुओं की भलाई के लिए कौन सा काम किया, सनातन को बचाने के लिए कौन सा काम किया? आपने तो वक्फ बोर्ड बना दिया, और वो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ रखते हैं उनकी हो जाती है, जिस लड़की पे हाथ रखते हैं उनकी हो जाती है, और कानून ऐसे बना दिए कि हिंदू कोर्ट में जाकर लड़ भी नहीं सकता है, वो भी उन्हीं की फेवर के हैं। तो उसके बाद भी अगर हिंदू इनको प्यार करता है, तो मैं अब आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि कलंक राहुल गंदगी है हमारे देश के ऊपर, या वो हिंदू है जो सेकुलरिज्म के नाम पर इस गंदगी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहा है? क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इस देश की गंदगी कौन है, वो राहुल है या वो सेकुलर हिंदू जिसका मैंने अभी जिक्र किया है? थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।